नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। राजस्थान की सियासत को लेकर आज सभी की निगाहें कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर टिकी हुई थी। ऐसी चर्चा थी कि सचिन पायलट आज दौसा में कांग्रेस से अलग होकर नई सियासी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने दौसा में कांग्रेस के पूर्व नेता और उनके दिवंगत पिता राजेश पायलट को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति में करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है, विपरीत परिस्थिति में भी सच बोलना चाहिए। मेरे पिता ने भी कोई समझौता नहीं किया था। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे, हम स्वच्छ राजनीति चाहते हैं, निराशा के माहौल में काम करने का मन नहीं करता है, मैं पिता के बताए रास्ते पर चलूँगा। उन्होंने कहा कि मेरे पिता राजेश पायलट ने अपने जीवन में फौज की नौकरी की, लड़ाकू विमान चलाए, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और राजनीति में भी अपनी बात को मुस्तैदी से रखा। आज देश को उसी प्रकार की राजनीति की ज़रूरत है, बेबाकी से बोलना, सच्चाई, ईमानदारी और समर्थन करना, विपरीत परिस्थितियों में भी समझौता न करना। मैं साथियों, आप सब जानते हो, सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला, मैंने अपनी आवाज को हमेशा रखा। मैं बड़े अदब से, आदर से, सम्मान से और शिष्टाचार से अपनी बातों को रखता हूं और मैंने हमेशा दूसरों को सम्मान दिया है। मैं सरकार में था, हमारे कोटा में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई, मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर महारैली को संबोधित किया। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ बुलाई गई रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि कई साल बाद आज हम रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं, 12 साल पहले करप्शन के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, आज इस देश से एक अहंकारी तानाशाह को हटाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस दौरान केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। हमारे पास एक सत्येंद्र जैन नहीं, हमारे पास 100 सत्येंद्र जैन हैं। आप एक को जेल में डालोगे तो दूसरा काम करने आ जाएगा, लेकिन दिल्ली में विकास का काम नहीं रुकेगा। केजरीवाल ने कहा कि 11 मई को देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हक में फैसला लिया था और 19 मई को मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। 75 साल में ऐसा हुआ है जब कोई पीएम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। केजरीवाल ने कहा कि देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही और हिटलरशाही कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जनता सुप्रीम है, मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि दिल्ली का जनता सुप्रीम नहीं, LG सुप्रीम है। बीजेपी को 3 सीट देने का क्या मतलब? दिल्ली के लोगों ने अपनी आंखें लाल करके मोदी जी की तरफ देखा और बोला आप देश संभालो, खबरदार दिल्ली की तरफ आंख उठा के देखी तो। बोला कि नहीं बोला? 2020 में फिर से दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को दी, बोले आप देश संभालो। आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीट दी, बोले केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल रविवार को दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की मेगा रैली में पहुंचे। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सिब्बल ने कहा कि सत्तारूढ़ सरकार डबल इंजन सरकार नहीं है, बल्कि ये डबल बैरल सरकार है। ये बैरल परिवर्तन निदेशालय और दूसरे CBI हैं। अध्यादेश विवाद पर सिब्बल ने कहा कि वो चाहते हैं कि नौकरशाह दिल्ली को चलाए और मुख्यमंत्री के पास कोई शक्ति न हो, ये कैसा मजाक है। कपिल सिब्बल ने विपक्ष की एकता का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में मेरा उद्देश्य अलग अलग जगहों पर जाना होगा और लोगों को बताना होगा कि समय आ गया है, हमें एकजुट होकर पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। मैं मोदी को अपने मन की बात कहना चाहूँगा, लोग आपको पसंद नहीं करते, लोग कह रहे हैं अब बहुत हो गया, आप अमीर लोगों के PM हैं।
आज आपको एक मन की बात बताना चाहता हूं। मोदी जी हमेशा बच्चों को मन की बात बताना चाहते हैं, मैं भी आपको मन की बात बताना चाहता हूं। वो ये है कि जनता इनको पसंद नहीं करती, जनता इनको नहीं चाहती। जनता कहती है काफी हो गया, आपको बड़ा वक्त दे दिया, आप तो एक अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, आम जनता के मामलों में तो आप दखलंदाजी नहीं करते। नोएडा में थाना एक्सप्रेसवे पुलिस और जोनल सर्विलांस टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर एटीएम मशीन में फेविक्विक लगाकर ग्राहकों के एटीएम निकालकर धोखाधड़ी करने वाले चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से अलग अलग बैंक के फर्जी आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड चोरी की गई, 5,000 रुपये नगद, फेविक्विक और फर्जी हेल्पलाइन नंबर की पर्चियां बरामद की गई है। डीसीपी हरीश चंदर ने बताया कि 6 जून को गाँव वाजिदपुर में पीएनबी एटीएम में गड़बड़ी करके इन चोरों ने पैसे निकाले थे, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस के सामने मामले की शिकायत की थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस द्वारा मिली गोपनीय सूचना के आधार पर पंसील अंडरपास से चोरों को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान प्रशांत, आदित्य, पवन और गौरव यादव के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि ये लोग पहले एटीएम बूथ में जाकर मशीन पर एक फर्जी हेल्पलाइन लिखकर चिपका देते थे। हेल्पलाइन पर जो नंबर लिखते थे वह इन चारों में किसी एक का होता था। इसके बाद कार्ड रीडर वाले स्थान पर फेविक्विक लगा देते थे। जब कोई ग्राहक पैसा निकालने के लिए एटीएम में जाता, एटीएम मशीन में फेविक्विक लगे होने के कारण कार्ड मशीन में ही चिपक जाता। इस गिरोह का दूसरा साथी अपने गले में बैंक का फर्जी आईडी कार्ड डालकर वहां आ जाता था। वो ग्राहक से दोबारा से पिन डालकर प्रयास करने को कहता। इस दौरान वो चुपके से उनका पिन नोट कर लेता था, फिर उस ग्राहक को फर्जी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने को कहता, जिस पर इसी गिरोह का तीसरा साथी उस ग्राहक को 3 से 4 घंटे के बाद कार्ड ले जाने को कहता था। फिर बदमाश ग्राहक का एटीएम कार्ड मशीन से निकालकर अन्य एटीएम से जाकर पिन डालकर पैसे निकाल लेता था। इन चारों ने मिलकर ऐसी घटनाएं की हैं। इस गिरोह की तलाश काफ़ी दिनों से थी। डीसीपी ने बताया कि ये लोग सिर्फ उन एटीएम को टारगेट करते थे जिनमें ना तो अलार्म होता था ना ही कोई कार्ड होता था। इसमें तत्काल जो है सच्चू एक्सप्रेसवे मौके पर गए थे, तत्काल FIR दर्ज की गई थी और एक हमारी टीम जो है इसमें काम कर रही थी। क्योंकि हमें इस तरह की सूचना आ रही थी कुछ लोग जो है ATM के पास संदिग्ध अवस्था में जो है वो घूमते हैं और इस तरह की घटनाएं करते हैं। पूर्व में जो है वो थाना 24 और 49 में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। उसी में टेक्निकल डाटा और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसमें जो प्रशांत नाम का लड़का है ये इनका जो है वो लीडर है। अलीगढ़ में जंगल में कटी मिली 2 भैंसों को लेकर हिंदूवादी और दर्जनों साधुओं ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भागवत कथा स्थल से कुछ ही दूर पर कटी हुई भैंस मिली थी। लोग अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हंगामे को देखते हुए पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना की सूचना पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रही। कार्रवाई का आश्वासन देकर साधुओं को पुलिस ने शांत करवाया। मामला लोधा थाना इलाके के खरेश्वर का है। थाना लोधा में हरिदासपुर में खाली मैदान में कथा का आयोजन किया जा रहा था। उसी परिसर से दूर पीछे की तरफ पटरी के पास राजू सन ऑफ ताराचंद, लाखन सन ऑफ ताराचंद, सिकंदर सन ऑफ कालीचरण मृत भैंसों को उठाकर लोडर में डाल रहे थे, जिसके संबंध में वहां पर लोगों ने आपत्ति दर्ज की। इस संबंध में पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और संबंधित 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये लोग गांव में मृत पशु को इकट्ठा करके श्रावस्ती पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही 9 साल पूरे होने पर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में पॉलिसी पैरालाइज हो गई थी, कोई बड़ा काम नहीं हुआ, प्रतिदिन भ्रष्टाचार और घोटाला चर्चा में रहता था। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद एक नई आशा और सवेरा का संचार हुआ। अच्छी नीति और योजना बनाना और धरातल पर उतारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। दो पक्षों में वाद विवाद को लेकर सूचना पर पहुंची डायल 112 ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर कोतवाली पहुंची, जहां पर दोनों पक्षों को चोटिल देखते हुए उपचार के लिए हैदरगढ़ स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पुलिस उपचार के लिए बाइक से ले जा रही थी। तभी रास्ते में चोटिल राजेंद्र उतर कर कहीं चला गया, जिसका शव
सुबह गांव के कुछ दूर एक पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के पिता ने आरोप पुलिस स्टाफ के कुछ लोगों पर लगाया है। वहीं सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। हैदरगढ़ थाने में मणिपुर गांव से संबंधित एक इवेंट की सूचना चंद्रिका नामक व्यक्ति द्वारा 112 पर दिया गया था, जिसके सूचना पर पीआरवी 1700 मणिपुर गांव पहुंची। वहां पर जो जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ था त्रिभुवन और राम बकस, उनको पीआरवी अपने साथ लेकर थाना हैदरगढ़ पे पहुंची। और जो मजरूब था उमेश, उसको उसके साथ ही चंद्रिका के द्वारा बुलाए गए 108 से सीएससी भेजा गया। और चंद्रिका के साथ दूसरा हल्का मजरूब है राजेंद्र। हरदोई जिले में कटरा बिल्हौर हाईवे मार्ग पर रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत में रोडवेज चालक की मौत हो गई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। एम्बुलेंस द्वारा सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने 3 की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं इलाज के दौरान रोडवेज चालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस जो दिल्ली से हरदोई की तरफ आ रही थी, उसका बरसुईया इंद्राम पड़ता है, वहाँ हाईवे पे ही थाना क्षेत्र सवायतपुर में एक ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 8 व्यक्ति घायल हो गए और बस का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जो सीएससी पालपुर में उसको प्राथमिक इलाज के लिए ले जाया गया, वहाँ से रेफर हुआ। बस का जो ड्राइवर है चालक, उसकी मृत्यु हो गई और 8 व्यक्ति ठीक है, खतरे से बाहर है, उनको सीएससी से ही। कासगंज में एक बार फिर खून के रिश्तों पर संपत्ति का लालच भारी पड़ गया और इसी लालच के चलते सगे भाई ने भाई के सोते वक्त कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्यों को एकत्रित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस फरार हत्यारोपी की तलाश में जुटी है। पूरी घटना साहवर थाना क्षेत्र के ग्राम सिरौरी की है। क्षेत्र के अंतर्गत जो घटना घटित हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज 10/11 जून की रात्रि में थाना क्षेत्र सहावर स्थित गांव सिरौरी में रमेश पुत्र ईश्वरी प्रसाद की उनके ही भाई नरेश के द्वारा कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर हमारी प्रभारी निरीक्षक की टीम, साथ ही क्षेत्राधिकारी सहावर और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट को बुलाकर जो साक्ष्य संकलन की कार्यवाही है पूरी की जा रही है। भाजपा के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह के कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी पर सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक जंगल से स्कूटी पर घर जा रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर में भंडारे में शिरकत करने चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, जहां आजाद समाजवाद पार्टी के अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। धार्मिक भंडारे में चंद्रशेखर ने लोगों के साथ भोजन भी किया। सुरक्षा के स्तर पे देखें, कानून स्तर पे तो फेल है। अगर हम और जो है पटल, जैसे विकास का पटल, उस पर भी आप देखोगे तो सरकार फेल है। सरकार में बैठे नेता गरीबों की जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं, सारी भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्ती हो रही है उनमें घोटाले हो जा रहे हैं। आरक्षण का घोटाला हो या और कोई घोटाला हो, कानून व्यवस्था के नाम पे पुलिस ही अब अगर का आपने देखा हो, कानपुर में एक इंस्पेक्टर दरोगा ने 50 लाख रुपए की जो है चांदी लूट ली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।